Assalamu alaikum everyone. So I guess we have enough participants to start the class. So let's start the class for today. वालेकुम सलाम सर। ठीक है, तो पहले वही मैं आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आप लोगों के स्टॉक मार्केट की वो अकाउंट ओपनिंग की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची। उससे पहले ये जो हमें नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है वो मुझे प्लीज बता दें कि वो एनरोल्ड हैं या उनका अभी भी डेमो चल रहा है, क्योंकि उस हिसाब से मैं लेके चलूँ उनको थोड़ा सा बता दूँ कि हमने क्या किया था। आप लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बता देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, वरना हम लोग आगे निकल जाएंगे। ये मुस्तफा अफरीदी साहब हैं, कोई राव अरसलान हैं, एक कोई आईफोन के नाम से आ रहे हैं, आप लोग प्लीज अगर बता दें। जी सर, मैं राउट स्लान निगो एनरोल हूँ। ठीक है, आप एनरोल हो चुके हैं। जी ठीक है, और बाकी दो जो हैं मुस्तफा अफरीदी साहब और आईफोन, जिनके पास आईफोन शोर है। नो सर, अभी तक एनरोल नहीं हुआ, इंशाल्लाह एनरोल हो जाएंगे। बाकी ये कि क्लास भी फर्स्ट है आज। बाकी यूट्यूब में मैंने लेक्चर ले लिए थे आपके पेंडिंग। अच्छा, ले लिए थे वो आपने, तो आपको पता चल गया होगा कि हम चाह रहे हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट खुलवा लें, अगर आपने वो देखा है। जी सर, मैं अकाउंट ओपनिंग AKD वालों से भी कांटेक्ट में हूँ, तो वो ठीक भी है, मिल जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त है। ठीक है, तो जी नवीद भाई, मुश्तबा, आप लोगों की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट 70% हो गई है। होपफुली मंडे या ट्यूसडे को मेरे हाथ में होगा क्रेडेंशियल्स। अच्छा, आपने भेज दिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे यस दिए, यस यस सर, चलो भेज दिया ना। बहुत ही। ऑलमोस्ट 70% KYC भी हो गई है। बस ये है कि अप्रूवल उसमें गया है, तो अब बीच में वीकेंड आ गया, तो इस वजह से शायद नहीं, मंडे या कोई ट्यूजडे मसला मिल नहीं है, जाएगा। हम वेट कर सकते हैं अगले हफ्ते तक, लेकिन ये बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस है। जी नवीद थैंक यू साहब, आप सर। बता रहे थे कुछ। जी सर, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट और बाकी सारी चीजें जो है ना वो आज ईमेल कर दी हैं। तो ना, और इधर से उनकी रिसीविंग की भी कंफर्मेशन आ गई थी, तो इंशाल्लाह अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो इसको फाइनलाइज कर दें। चलें, बहुत बहुत जबरदस्त हो गया। सॉरी ठीक टू है, इंटरप्ट तो यू सर, हम लेकिन ये एनरोल कैसे होना होता है इसमें? इनरोल, तो वो आपको मैनेजमेंट से बात करनी होगी, तो वो आपको कोई कोर्स फीस वगैरह बताएंगे, तो वो आपने उनको देखे और वो आपने फिर आप इनरोल हो जाएंगे, ओके या ओके, अगर देन आई एम आपने ये नॉट टू किया हुआ है तो आप मैं इनरोल्ड हैं। नहीं जी, मैं एनरोल नहीं हूँ। चलें ठीक है, ओके। जी मैं मुस्तफ़ा अफरीदी बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम जी मस्त, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी पहली क्लास है, लेकिन आप इसको अपनी रूटीन के हिसाब से ही लेके चलते रहें। बाकी इनरोलमेंट के हिसाब से मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रابطہ वगैरह कर लूँगा, और जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो मुझे, मतलब मैं फैमिलियर हूँ उससे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह प्रोसेस अच्छा, करवा आपके लूँगा। पास ऑलरेडी अकाउंट है अभी? नहीं, मेरे पास अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं फेमिलियर हूँ उस प्रोसीजर से ना, कि कैसे वो ओपन करते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह करवा लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी होती है ना। तो आप ठीक है अपनी ठीक रूटीन के है हिसाब से जो क्लास जैसे चल रही है उसको जारी रखें। ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेसिकली डेमो से जो हम स्टार्ट हुए थे, तो हमने पूरा एक ओवरव्यू किया था कि हम किस तरह से लेके चलेंगे कोर्स को, किस तरह से टेक्निकल सीखेंगे, फंडामेंटल सीखेंगे, और उसके बाद हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, और ताकि हमारे पास इन हैंड अकाउंट हो। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी डिस्कशन हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने, बल्कि जो हमारे साथ मुश्तबा और नवीद साहब हैं, ये तो बिल्कुल ही कनेक्टेड है हमारे साथ, तो हम लोगों ने एक डिस्कशन शुरू की थी एसेट्स पे और लायबिलिटीज पे, लेकिन इन लोगों ने बड़ा अच्छा कनेक्ट किया था उसको विद द इकोनॉमी या विद द कंट्री। तो फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि आप लोग अब इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम इनकम स्टेटमेंट पे मूव करें, और इनकम स्टेटमेंट से हम आज स्टार्ट करते हैं।
एक्सपेंसेस को और फर्दर देखते हैं, और इसी तरह एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज हैं कि किस तरह, ये असल में इसलिए हम इसको इन डिटेल देख रहे हैं, अगर किसी को ये ऑलरेडी आता है तो उनको ये लगेगा कि ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है, लेकिन हमने कल अपनी क्लास में यही अंडरस्टैंड किया था कि जो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज डालती हैं PSX पे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि सब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सबका एक डाइवर्स बैकग्राउंड है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कोई कोई और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये जो है जब हमें ये बेसिक्स पता होंगी तो कि हम ये इसको काफी अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं विद इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम जो है, मैं आपको बताता हूं कि तीन किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। दो हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब डिस्कस एज इन के हमने जनरल उसकी बात की थी कि एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक बैलेंस शीट होती है, और तीसरी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब इसको समझने के लिए कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या देखना है, तो इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट से। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो एक कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो एक स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अराउंड होती है, और वो ज्यादा उसके ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का फोकस होता है जो आपने रेवेन्यू कमाया है, आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं, और आपने जो गेन्स किए हैं और जो लॉसेस किए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, अब पीरियड जो होता है वो जो यूजुअली होता है वो पूरे साल का होता है, जैसे कल हम एक स्टेटमेंट देख रहे थे अपनी स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट देख रहे थे मेपल लीफ की। तो हेलो, क्या आप, क्या मीटिंग जी बंद सर, हो आपकी गई? आवाज चली गई थी ये मीटिंग आई गेस रीस्टार्ट हुई है। अच्छा सर। जी, ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो हम आज कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, तो मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट इन तीन स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट होती है जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन या पीरियड पे बनी हुई होती है। वो इस तरह से कि एक साल की जो होती है वो यूजुअली जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कंपनीज का वो जुलाई से होता है, और जुलाई टू जून चलती है ये। ठीक है, ये जो होती है एनुअल वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये ऑडिटेड होती है। ऑडिटेड का मतलब ये होता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, ये जो ऑडिट फर्म्स होती हैं वो एक्चुअली वेरीफाई करती हैं कि जो कंपनी बात बता रही है वो सही बता रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपनी तरफ से बता रही हो, ऐसा एक्चुअली हुआ ना हो, प्रॉफिट ज्यादा शो कर रही हो या लॉस ज्यादा कम देखा, मतलब वॉट एवर इस तरह हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनीज हर 3 महीने बाद, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट, वो एक रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, 3 महीने की अपनी प्रोग्रेस बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का फोकस किन चीजों पे होता है। तो कल हमने डिस्कस किया था, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि रेवेन्यू पे होता है कि उस ड्यूरेशन में कितना रेवेन्यू कमाया, फिर क्या क्या एक्सपेंसेस करने पड़े हमें वो रेवेन्यू कमाने के लिए, और फिर कंपनी ने कोई गेन्स और लॉसेस कमाए। अब गेन्स और लॉसेस का डिफरेंस है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। अच्छा, ये जो लिंक्ड होता है ये कंपनी के ऑपरेशन से लिंक्ड होता है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी की बिल्कुल पहले दिन से बन जाती है, चाहे ऑपरेशंस हो रहे हों या नहीं हो रहे हों।
क्योंकि अब आप देखें कि जो हमने इन डिटेल डिस्कस किया था अबाउट इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स, आई गेस आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। तो वो पहले दिन से ही हमें जो भी हम पैसा डालते हैं कंपनी के अंदर वो इक्विटी बन जाती है, और उसके थ्रू अगर हमने अभी तक कोई एसेट नहीं भी खरीदा तो वो कैश उसके बदले जो है एसेट होता है, वरना जो हमने उसके बदले खरीद लिया है वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, अच्छा ये अभी मैं बगैर स्क्रीन शेयर के रहे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब मैं अभी आपके साथ इनकम स्टेटमेंट शेयर करूंगा और बैलेंस शीट शेयर करूंगा तो वो जाहिर सी बात है स्क्रीन शेयर करके करूंगा, तो वो आप लोग उसको बल्कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो आप देख भी सकते होंगे और बाद में भी देख सकते होंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हमने कल बैलेंस शीट की एस्पेक्ट्स पे की थी तो, लेकिन हमने देखी नहीं थी बैलेंस शीट, तो अभी जो है हम इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट ले रहे हैं। तो आप लोग यही समझो कि हम लोगों का पहली जो स्टेटमेंट हम कर रहे हैं वो इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई रेवेन्यू और गेन में क्या फर्क है। ठीक है, उससे पहले हमने देख लिया कि भाई रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट में इनकम इनकम स्टेटमेंट एंड में नेट प्रॉफिट हमारा टारगेट है। नेट जब भी किसी चीज के साथ लग जाता है ना, उसका मतलब होता है कि जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस आया वो माइनस करके आपके हाथ में क्या बचा उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो हम आप लोगों ने जो वो देखा होगा कोर्स आउटलाइन देखी होगी, उसमें हमने फंडामेंटल्स की तरफ मूव करने के लिए अर्निंग्स पर शेयर भी देखना था। तो अर्निंग्स पर शेयर का भी यही मतलब है कि जो कंपनी ने टोटल नेट इनकम कमाई है उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करते हैं, तो पर शेयर आखिर कितनी इनकम बनी है। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना कि भाई एक शेयर 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, ये कोई हवा में बातें नहीं होती, या ऐसे नहीं होता कि कोई भी बैठ के डिसाइड कर लेता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी बैठ के डिसाइड कर लेगा कि जी फलानी कंपनी का स्टॉक इतने का रख देते हैं और फलानी का इतना। यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई अर्निंग्स होती हैं, उस हिसाब से उसका जो है वैल्यू निकल के आती है, वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से निकल के आती है। अच्छा तो हम सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू क्या होता है। तो रेवेन्यू रियलाइज थ्रू प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब जो आपका प्राइमरी बिजनेस है। अब आप लोग किसी बिजनेस की एग्जांपल अगर लें तो फॉर एग्जांपल जो कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो वो जो उसका प्रोडक्ट बेच के जो रेवेन्यू आता है उसको हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं, और मेजरली हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू ही देख रहे होते हैं। तो रेवेन्यू होता है जो आपका मेन कोर बिजनेस है, उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं जितना मर्जी बेच लें उस पूरे साल के अंदर, ठीक है, चाहे आपको उसके पैसे अभी रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है, जो चीज आपने बेच दी पूरे साल के अंदर वो आपका रेवेन्यू है। ठीक है, अब हम सर तो ग्रॉस प्रॉफिट फिर इक्विवेलेंट हो जाता है रेवेन्यू के। नहीं उसी पे आ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट उसी पे आएंगे, इसलिए आज ये पूरी इनकम स्टेटमेंट, तभी मैंने आज नाम ही क्लास को दे दिया कि समझे आज हम इनकम स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इंटरैक्ट भी करते हैं तो मुझे अंदाजा है कि पूरा लेक्चर इसी में जाएगा, लेकिन इन दी एंड आप लोगों को एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अच्छा तो देखें रेवेन्यू तो समझ आ गया ना हमें, अगर आप में से किसी को नहीं आया रेवेन्यू समझ तो हम उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, कोई और भी बता दे कि रेवेन्यू क्लियर है तो फिर हम उसको फर्दर आगे चलते हैं। रेवेन्यू इज एनी एनीथिंग दैट यू अर्न थ्रू लाइक सेलिंग योर प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विस।
ठीक है, आपकी कंपनी का कोर ऑपरेशन, जैसे मेपल लीफ सीमेंट का कोर ऑपरेशन क्या है, कोई बताना चाहेगा? सीमेंट एक बेस्ड। दो दोबारा पूछें, सॉरी क्या हाँ पूछ इट्स रहे ओके, थे मैंने बताया, मैंने कहा मेपल लीफ की एग्जांपल हम देख रहे थे, तो उसका जो कोर काम है, मेपल लीफ सीमेंट कंपनी का कोर काम है सीमेंट बेचना, सीमेंट बनाना और उसको बेचना, ठीक है? तो जितनी भी वो सीमेंट की बोरियां बेचेगा, इनटू इट्स प्राइस वो उसका रेवेन्यू है। अभी हम उसकी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे इन डिटेल, बल्कि यार मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर देता हूँ, वरना आप लोग बोर हो रहे होंगे। मैं प्रॉपर मेपल लीफ सीमेंट की, या आप लोग अगर कोई और इंडस्ट्री देखना चाहते हैं तो बताएं, वरना मैं सीमेंट को देखता हूँ। कोई आईटी की देख लें, सब मोस्टली तो मेनली तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड ही देखनी चाहिए। किसी की कोई ख्वाहिश है कि सर? आज शेल का कोई न्यूज आई थी, 77% और सऊदी अरब वाला है, तो उसको देख लीजिए। शेल को देख लेते हैं? शेल, लेकिन शेल को नहीं देखते, उसकी वजह यह है कि वो कुछ बना नहीं रही है आई गेस पाकिस्तान में, वो उसे बेच रही है, फिर हमारी ना कॉन्सेप्ट थोड़े रह जाएंगे। लेकिन शेल की एंड में एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, मेपल लीफ को ही देख लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट इनकी खोलते हैं हम। बल्कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर अभी से ही कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, फिर वो ज्यादा प्रैक्टिकली जब देखेगा तो आप लोगों को मजा आएगा। अच्छा, स्क्रीन है आप लोगों के सामने? यस सर, ये है ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है? सितंबर 21 को आइए, एयर का वेंड हुआ है, ये देखें 30-06 जून, जुलाई टू जून चलता है, तो जून के एंड में एंटर होता है, और 2 महीने लग जाते हैं इनको अपनी स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है? अब इसको हम खुलने देते हैं। तो हमने ओके बात की रेवेन्यू की, अच्छा फिर हम बात करते हैं जो आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कंफ्यूजन है ना, वो ये है कि देखें, कोई चीज होगी जिसके पैसे आपने इन एनी केस देने हैं, वो कैसे कि आप लोगों का प्लान, मतलब सैलरीज हैं जो फिक्स्ड हैं, तो आपको देनी ही देनी है साल की, ठीक है? इसके अलावा कोई आपकी बिजली का बिल है, जो बिजली चली रही है वो भी आपको देना ही देना है, ठीक है? इस तरह और बहुत सी चीजें होंगी जो आपको देनी ही देनी है। तो इस केस में ये होता है, अच्छा अभी कंसोलिडेटेड है, हम अनकंसोलिडेटेड देख लें। अनकंसोलिडेटेड, ठीक है, ओके जी। ये देखें, अब ये आप लोगों को विजिबल है कि ये हम लोगों के सामने सेल्स आ रही है, ठीक है? आप लोग तो, ये तो प्रॉपर रिपोर्ट है, ये तो आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इससे करा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला हेड होता है सेल्स का, ठीक है? सेल्स का, अच्छा अब ये जो नेट लिखा हुआ है ना, ये इनका मतलब जब हम 35 पॉइंट पे जाएंगे और देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि इसमें से कोई ना कोई, जो भी टैक्सेस उन्होंने दिए हुए ना, अपने प्रॉफिट के ऊपर नहीं, जो भी इसमें जो भी कॉस्ट होगी, अभी मैंने नहीं देखी हुई, वो उसको नेट करके उन्होंने सेल्स लिखी हुई है कि 6 आगे रुपीज इन 1000 है, तो मतलब 3 जीरोज और आगे 6 जीरोज और आगे 3 जीरोज और, तो 62 बिलियन, 62 अरब रुपए की इन्होंने सेल्स की है, ठीक है? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये मतलब होता है
कि वो वाली कॉस्ट जो आपको वो प्रोडक्ट बनाने में आई है, ठीक है, मतलब जो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट बनाने में आपकी कॉस्ट आई है, जैसे जो रॉ मटेरियल है ना सारा, जो वेरिएबल है, ये वाली कॉस्ट अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे ना, तो ये आपकी इनकर नहीं हो, ठीक है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने की जो भी कॉस्ट होती है ना डायरेक्टली, वो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके आप लोगों के पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कोई भी कंपनी हो ना सिवाय बैंक्स के, तो वो इसी तरह इनकी स्टेटमेंट बनती है। बैंक्स की इसलिए इस तरह नहीं बनती क्योंकि बैंक की कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो सारा इंटरेस्ट बेस्ड होता है, तो वो कितना इंटरेस्ट अर्न किया है उन्होंने पूरे साल में वो इधर आ जाता है। तो आप लोग मेरे साथ हैं इसमें, तो फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट के आगे बढ़ते हैं। या तो बल्कि मैं आपको यस पूरा सर, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ, ये स्टाइल थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ये देख, अच्छा, फिर उसके बाद वो वाली कॉस्ट आती है जो के आप ये, अगर प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है लेकिन फर्दर कॉस्ट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो है जो आपको अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगी है, ठीक है। ये इन एनी केस भी लग सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, या कुछ और भी। और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो हैं जो एडमिन के एक्सपेंसेस नहीं होते, वही जो मैंने आपको बताया सैलरीज हो गई या यूटिलिटीज हो गई या जो जिस भी तरह का। अच्छा, अब इनके जब हम पॉइंट्स देखेंगे ये नोट में, तो ये फर्दर ब्रेक डाउन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इन सबको माइनस करके प्लस ये अदर इनकम को ऐड करके, अदर इनकम ये होती है जो उस साल के अंदर आपने कोई इनकम कमाई है, अदर इनकम जो आपने रेवेन्यू नहीं है, जो प्रोडक्ट बेच के नहीं कमाई, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, ठीक है, और उस साल के अंदर आपको रिटर्न आ गया होगा, ठीक है। तो फिर निकल आता है हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होती है बेसिकली जो कर्जे लिए हुए होते हैं, मैंने आप लोगों को यही फर्क बताया था ना इक्विटी और डेट में, कि इक्विटी में तो आपको ओनरशिप मिल जाती है जिसमें हम लोग काम करेंगे, बेसिकली जो हम भी ट्रेड करेंगे एक तरह से हम ओनर्स हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट जो होती है जिससे हमने उधार लिया होता है उसको हमें हर साल सूद देना होता है, ठीक है। अब वो फर्क नहीं पड़ता आप सेल्स कर रहे हो या नहीं, वो आपको देना ही देना है अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो वो माइनस होके आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आता है, फिर इस पे जो है एक टैक्स रेट लगता है तो आप टैक्स देते हो, और फिर फाइनली आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, इसको बोलते हैं हम वही नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, वरना हम इसके नोट्स को फर्दर खोल के देखते हैं, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, वरना मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एनीवन, ये आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल सर अलहमदुल्ला क्लियर है, बस मुझे ये बताएं कि हमें इस चीज जो आपने चीज दिखाई है अभी, इसमें जो हमें ग्राफ क्या करना है, मतलब कि कैसे निकलती है वैल्यूज, या क्रॉस वेरीफाई भी करना है इसको कि सही है गलत है, क्या हमें से वो क्या लेने ग्राफ क्या करने है? मैं आपको बताता हूँ, चले मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपने अच्छा सवाल किया, इससे ग्राफ आपको ये करना है कि जब आपने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है या आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे उनका प्रॉफिट बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी अदर इनकम बहुत बड़ी हुई थी, उन्होंने डॉलर्स उठाए हुए थे और डॉलर्स बड़े बढ़ गए, इससे हमें क्या समझ आएगी कि कंपनी के ऑपरेशंस बेहतर नहीं हुए,
वो बस उनका तुक्का लग गया इस साल। ये आपको मैं बेसिकली फंडामेंटली कंपनी को अंडरस्टैंड करना सिखा रहा हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है, कल हमने देखा था ना कि मेपल लीफ का, बल्कि मेपल लीफ का ही देखा था, ये देखें ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है मेपल लीफ का। ये 2022 के एंड में इतना था और 23 के एंड में इतना था, तो यहां तक तो आपने एनालिसिस कर लिया था कि यार ये उठा लेना चाहिए स्टॉक क्योंकि इसकी अर्निंग्स बेहतर हुई है। पर ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस वजह से बेहतर हुई है। तो अब ये देखें आप कि नंबर वन तो पिछले साल से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब कि सीमेंट की बोरी की या तो प्राइस बढ़ी है या फिर आपने ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है, फिर अब आपको ये पता चल गया, अब आप एज अ परसेंटेज भी देख सकते हैं कि यार पिछले साल 36 डिवाइडेड बाय 48 25% ग्रॉस प्रॉफिट था, तो इस साल उससे बेहतर है या बुरा है? अगर उससे बुरा है तो इसका क्या मतलब होगा, और अगर इससे बेहतर है तो क्या मतलब होगा? अच्छा, अब आप, मैं ही कैलकुलेटर निकालता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ। ओके, वेट करें, कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम डिवाइड कर देते हैं 16.4 डिवाइडेड बाय 62, तो इस साल हमारा 26.45% ग्रॉस प्रॉफिट है, पिछले साल ऑलमोस्ट 25% था। तो क्या हमें ये बात समझ आती है कि कंपनी जो है वह पर बोरी मार्जिन ज्यादा ले रही है और फिर भी सेल ज्यादा कर पा रही है? ये आप बताएं, आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? यही एनालिसिस का मेन पार्ट है। आतिफ साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे क्योंकि आपको स्पेशली ये सर करना आपने था। अभी, सॉरी सर आई एम इंटरप्टिंग, जो अभी जी जी आपने 25 बताओ। परसेंट बोला है उसमें आपने बेसिकली 36.2 डिवाइड बाय 48.5 किए, हाँ, वो 75% बनेगा, ओके ये तो 100 माइनस कर दिया, ओके सही है, 100 माइनस कर परफेक्ट, दिया। ठीक है। बेसिकली आपको क्या समझ आई है यार, कि यही ना कि 100% रेवेन्यू किया आपने तो कॉस्ट उसकी 75% है, और बिल्कुल यहाँ पे कॉस्ट 74% है। कम, अल्टीमेटली फायदा लॉन्ग, मतलब ओवरऑल बिगर पिक्चर में नहीं हो रहा, हमें लग रहा है नहीं, हो रहा है ना, ये वाला उससे तो कम फायदा हो बिगर पिक्चर में हो रहा है ना, क्योंकि अगर एक रहा कंपनी को मार्जिन बेहतर मिल रहा है, जैसे हमने एक ऑयल कंपनी की एग्जांपल देखी थी सबसे पहले पीएसओ की, तो पर लीटर मार्जिन बढ़ गया था ना। तो अगर आप कोई सिंपल प्राइस का स्टॉल भी लगाते हैं, ठीक है, और आप एक प्लेट बेचते हैं 30 रुपए की, ठीक है, और आपका उसमें 15 रुपए कॉस्ट है, तो अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, 14 रुपए हो जाएगी, और आप बेच फिर भी 30 रुपए पे पा रहे हैं, तब आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई कि नहीं हो गई? इज़ हो गई। तो ये मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फिर अब ये देखें, एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई रीजन होगी कि क्यों बढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतनी डेप्थ में आप लोगों ने नहीं देखना, लेकिन एक जनरल जब आपको पता होगा कि भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है और इन सब चीजों का क्या मतलब है, तो आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा। क्यों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, देखें, अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 12 बिलियन है और यहाँ पे भी 12 बिलियन ही होता इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता कि आपका जो मार्जिन है वो बहुत श्रिंक हो चुका है। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी अगर आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा होता तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि शायद हमने कोई अदर इनकम बहुत ज्यादा कर ली थी जो कि अगले साल नहीं होगी। हमें बेसिकली ये देखना है कि जो आप बात होती है ना, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी दिखा रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को एक बिल्कुल ही फजूल कंपनी दिखाता हूं, ठीक है, जिसपे बहुत सट्टा लगता है। आप लोगों ने टैली कार्ट का नाम सुना होगा, अगर सुना है, जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर आतिफ साहब आपके ब्रोकर ने आपको कहा हो कि टैली कार्ट उठा लें, है बिल्कुल सर, कहा है, बिल्कुल कहा है। ना, टीआरजी भी पीछे पड़े रहते होंगे, टीआरजी उठा लें, टैली कार्ट उठा लें,
अच्छा, और डब्ल्यू टी एल टीआरजी उठा। चलता भी बहुत, वॉल्यूम बहुत है टीआरजी के अंदर इनमें, फिर WTL ये इनमें बहुत वॉल्यूम भी आ जाता है सर। वही ना, ये क्योंकि सारे ब्रोकर्स उसी तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो फिर अब आप लोगों ने, फिर आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी मैं इसकी खोलने लगा हूं, तो फिर कंपैरिजन हमें समझ आएगा। अच्छा मैं ये खुल रहा है, आप लोग ये बात आप लोग क्लियर रखें कि सबसे पहले रेवेन्यू आता है, ठीक है? तो रेवेन्यू का मतलब यही है कि जो आपने अपना प्राइमरी प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, वो प्राइमरी जो आपका प्रोडक्ट है वो, उसको बेच के जो आपके पास पैसा आया, अभी उसमें से आपने कोई चीज माइनस नहीं की है। अभी जो आप 30 रुपए की प्लेट बेच रहे हैं फ्राइज की, वो 30 रुपए की है, अभी उसमें से बहुत खर्चे निकलेंगे। नंबर वन, जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो आलू मसाले मेयोनीज वगैरह का खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है? लेकिन जो आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, या जो आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट को भत्ता देना पड़ता है या वॉट एवर, वो तो इन एनी केस है, चाहे आपका स्टॉल आपकी 1 रुपए की सेल हुई है या 100 रुपए की सेल हुई है, समझ आ रही है? तो ये फर्क है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में। कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो होता है जो आप जितना बेचेंगे, तो जो दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है कि वेरी करती है, फिक्स नहीं है। लेकिन जो तनख्वाहें हैं, जो आपने बंदा रखा हुआ है उसको तो आपने पैसे देने ही देने, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है? या चलें बिल्कुल स्टॉल बंद हो गया, आप उसको पैसे नहीं देंगे अगले महीने से, लेकिन इस महीने तो आपको उसको देने ही देने। या इसी तरह आप लोगों का घर है, ठीक है, घर का रेंट है, ठीक है, या अगर किसी का अपना है, तो जैसे बाहर के मुल्क में होता है कि उसकी मॉर्गेज होती है, फिर बिजली का बिल है। एक देखें, बिजली का बिल एक फिक्स्ड अमाउंट आता है ना। अगर मैं आपको कहूं कि आप 1 महीना अपना घर छोड़ दें, तो क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों का बिल 0 रुपीज आएगा? सब बंद करके आ जाएं आप, लाइटें पंखे बिजली फ्रिज सब बंद कर दें, तो क्या आप लोगों का बिल 0 रुपीज आएगा? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट होती है ठीक है, सर। तो हर जगह एक फिक्स कॉस्ट होती है, तो वो जो आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती है। तो अगर हम मोटा मोटा देखेंगे कि रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं या आपके जो एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिनका प्रोडक्ट से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, और फिर आपके पास सामने निकल के आती है नेट प्रॉफिट फाइनली, ठीक है? सॉरी, एक दो बार ये रिपीट कीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपने क्या बताया नेट प्रॉफिट के लिए? यार मैंने आपको ये बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट तो सिर्फ वहां तक है कि भाई आपने कितने कितने के फ्राइज बेचे, और उसके बाद उसमें से आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है? फिर बाकी जो ये खर्चे हैं कि जो आपने बंदा रखा हुआ है उसकी फीस या उसकी सैलरी, फिर बिजली का, जो इन एनी केस आपको इनकर करने ही करने हैं, ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी सेल कर लें, एक लिमिट के बाद जब आप इतनी सेल कर लें कि आपको दूसरा स्टॉल लगाना पड़े, तो फिर वो ऑल टुगेदर उसको कहते हैं आपने एक्सपेंशन की है। लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप अगर कैपेसिटी के 50% भी चलें या 80% चलें, ठीक है, आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो अपनी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होती है और फिर नेट प्रॉफिट आता है। इसको सर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यानी कि मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, लेकिन फिर इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं हम। समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का टर्म सुना नहीं है, क्योंकि जब अकाउंटिंग में फर्दर जाते हैं तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट कुछ और हो जाती है। लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है? जो मेन प्रोडक्ट बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बिल्कुल कह सकते हैं,
क्योंकि आपको ओके समझ आ गई है कि भाई कि वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं लग रहा, लेकिन वो लग जरूर रहा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ टेलीकार्ट का इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन। ओके, अब आप लोग ये देखें, आप लोगों के सामने ये स्क्रीन है, बल्कि इन्होंने तो लिखा हुआ ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक टेलीफोन कंपनी है, तो ये कह रही है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करने में डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये देखें, सबसे पहले 2018 से इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखें, क्या आपको लगता है कि 21 और 22 में कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट देख के, या बुरा परफॉर्म किया है? बहुत बुरा किया है। ठीक है ना, क्योंकि वो परसेंटेज ही चेंज हो गई है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो देखें, पहले तो अव्वल तो ये कंपनी 3 साल तो लॉसेस में थी, जब ये 2020 में भी चलना शुरू हुई थी ये लॉस में थी, तो क्या कोई भी सेन आदमी कोई लॉस वाली कंपनी उठाएगा? अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये तो कर लिया, बल्कि ये तो प्रॉफिट कर लिया, लेकिन फिर ये जो फाइनल ईयर आया इनका, ये इसको पिछले साल से इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया या मतलब अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों के हिसाब से? ठीक बहुत बुरा। है, तो अगर आप लोग फंडामेंटल देखेंगे, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ने का क्या मकसद है? बैलेंस शीट नहीं देखनी होगी ट्रेड करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट देखनी होगी। बैलेंस शीट पे हम फिर चलेंगे, तो अगर अब आतिफ साहब आपको ब्रोकर कहेंगे कि यार आप टेलीकार्ट उठा लो, तो आतिफ साहब उसको सिर्फ कहेंगे मुझे आप 3 मिनट दें, मैं जरा इनकम स्टेटमेंट खोल के देख लूं पिछले 5 सालों की, ठीक है, और फिर वो उनसे जब पूछेंगे कि भाई ये तो लॉस में है या ये तो बिल्कुल सही प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो ये मैं क्यों खरीदूं, तो फिर वो ब्रोकर खुद चुप हो जाएंगे, वो कहेंगे सॉरी सर आपको पता है तो हम इसलिए आपके ऊपर है। अच्छा, अब हम एक और बात देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, तो ये आखिर इतनी ज्यादा क्यों है? ये फिशी बात नहीं है हमारे लिए कि ग्रॉस प्रॉफिट जितनी तो अदर ऑपरेटिंग इनकम है, उस वजह से कुछ वो प्रॉफिट में आई है कंपनी, वरना अगर ये आप 600 जो इनका प्रॉफिट है जी, आदिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करता हूँ। आप सही कह रहे हैं। इसमें ना जो जिस तरह आपने कल कल के लेक्चर में शायद ये आपने कहा था कि जो जिस तरह बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप बहुत मतलब अच्छा होता है और वो साउंड और स्टेबल होती है, तो वो एक वो मतलब एक ऑलरेडी वो तरीके से चल रही होती है और उसके अंदर चूंकि रिस्क ज्यादा नहीं होता तो वो फिर रिवॉर्ड की रेशियो इतनी अच्छी नहीं होती। तो बिल्कुल कई दफा सर ऐसे देखने को आया कि एक रैली चल रही होती है पूरे मार्केट के अंदर ना, एक हवा एक बनी होती है किसी कंपनी की और लोग उसमें धड़ाधड़ लगा रहे होते हैं पैसे। ऐसे ऐसी जगह पे आकर सर वो पता ही नहीं चलता कि कब उस बीच में वो अपना उसमें सैलाब में हम भी फंस जाते हैं, हम जैसे लोग भी, कि वो रैली चल रही है और रैली में अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है या इससे फौरन निकला भी जा सकता है। इंटेंशन ये होती है कि क्विकली लेके माल और फौरन ही इसको बेच के मतलब प्रॉफिट अंदर कर लिया जाए, लेकिन उस लालच के अंदर ही मतलब फंस जाता है बंदा, जिस तरह मैं खुद इसी तरह मैं इसी तरह ही फंसा हूँ। बिल्कुल सही बात की आपने, बल्कि मैंने भी जो शुरू किया था ऐसा नहीं है, आज अल्लाह ने मुझे अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उस मकाम पे
पहुंचाया है कि क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड के नहीं है तो मैं आप लोगों को कुछ बता पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझसे भी बेहतर लोग होंगे, तो मैंने भी यही इसी तरह से फंस फंस के ही सीखा है, क्योंकि पहले दिन से तो किसी को नहीं पता होता, फिर अपनी मेहनत करते रहते थे, देखते रहते थे, तो पर्पस बस यही है। बल्कि आपको मैं इसलिए भी कोट कर देता हूँ बाकी सबके सामने, क्योंकि आपने खुद ये बताया था, तो आप एक हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि आप ऑलरेडी ट्रेड करते थे और आप चीजों में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सीखने की जो आपके अंदर वो है, वो आपने नहीं छोड़ी और आप अभी भी होपफुल हैं। तो देखें, उम्मीद पे ही जिंदगी कायम है, वरना अगर 1 2 4 लॉसेस को हम लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो ठीक कह रहे हो इनशाला सर, ठीक कह आप रहे हो। बिल्कुल आप भी प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो इसलिए मैं ऐसी कंपनी ही दिखा रहा हूँ जिनको ये देखे नहीं ये किस किस्म की अदर इनकम है, ये क्यों है। अभी हम इसके नीचे चल के देख लेते हैं कि इन्होंने आखिर क्या कहा हुआ है कि कौन सी, क्योंकि पिछले साल की हमें मिल जाएगी, तो हम इनको भाई कहते हैं कि हमें दिखाओ ये करेंसी रिस्क आ गया। अच्छा जी, इधर ये रही इनकी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ये देखें अदर इनकम, ये यहां से देखें रेवेन्यू उन्होंने कमाया, ठीक है, और ये इनकी डायरेक्ट कॉस्ट थी, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट, ये आपने याद रखना है, ये मतलब आज के लेक्चर से अगर आप लोग ये भी पिक कर लेना कि क्या फर्क है ग्रॉस प्रॉफिट और नॉट नेट प्रॉफिट में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार, जैसे नवीद साहब ने डायरेक्ट कॉस्ट के थ्रू समझा, बिल्कुल सही समझा, हमारे सामने एग्जाम्पल आ गई, तो जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि एक कंपनी है, वो सीमेंट नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद कोई रेलिवेंट ना लगे एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी कि एक कंपनी है वो सीमेंट नहीं बनाती, ठीक है, लेकिन वो 2 4 बोरियां बेच देती है सीमेंट की, ठीक है, एमआई, तो उसकी फिर सीमेंट बनाने की कॉस्ट उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगी। ये बताने का मकसद ये है कि जो आपका कोर ऑपरेशन है ना, जो आपका बिजनेस धंधे करने का मकसद है, उस चीज को बेच के जितना रेवेन्यू आया है, जितना पैसा आया है, वो इधर आता है, और उसको बनाने में जितना बनाने में क्या यार, आप लोग कुछ शर्टें बेचते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो अगर आप लोग बोल्टन मार्केट से जाके शर्टें खरीद लें, ठीक है, तो वो जो शर्ट खरीदने की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, ठीक है, 300 रुपए की शर्ट खरीदी, आगे 500 की बेच रहे हैं, तो 500 की जितनी शर्ट बेची हैं वो यहाँ आ जाएंगी और 300 के हिसाब से यहाँ आ जाएंगी। उसके अलावा जो वेबसाइट बनाने का खर्चा है, वो तो खैर आपका एसेट होगा, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो उस साल का खर्चा नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने पूरे साल की कोई मेंटेनेंस दी है, ठीक है, फिर कोई डिलीवरी राइडर को दी है, वो सब सारी कॉस्ट इधर आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, ठीक है सर। अच्छा अब आप लोग ये देखें कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत ही फॉरेन फॉरेन कैलकुलेशन समझ आती हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि सबको आती हो मुझे, क्योंकि सबको लेके चलना है, लेकिन एक जनरल ये देख रहा है कि अगर हमारी रेवेन्यू बढ़ा है इस तरह से, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए उसी रेशो में, तो सेंस समझ आती है, या ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उसी रेशो में बढ़नी चाहिए। अच्छा ये जो हमने स्टेटमेंट खोली है, ये हमने अदर इनकम की वजह से खोली है कि भाई ये ऐसा क्या हुआ था, ये इन्होंने 5 और ये अगर 3 जीरोज ऐड करें तो 50 करोड़ रुपए टेलीकार्ट जैसी कंपनी ने कहाँ कमाए हैं, तो ये हम 29 पे देखते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 29, और बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है कि मुझे एक ऐसी एग्जाम्पल मिल गई है, जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर हमने पिछले साल इसके अदर इनकम की वजह से इन्वेस्ट किया होता, तो इस साल आप लोग देख रहे हैं ना कि ऑलरेडी अदर इनकम कितनी कम है, तो फिर हम फंस जाते। अच्छा अब 29 पॉइंट पे, अच्छा ये सर आप लोग ही अगर देख, हाँ बताएं मुझे तो।
सॉरी सर, सर अगर कोई कंपनी अपने लेट सपोज को इन्वेस्टमेंट लेट सपोज बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स में करती है तो वो भी उस अदर इनकम में शामिल हो जाता है या वो डिफरेंट केस होता या वो अदर इनकम में होता है जो उस साल का, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जो उस साल इनकम आई है उससे, वो सिर्फ ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड से खरीदा हुआ है और उससे अभी तक कोई इनकम नहीं आई है, उसको बेच के रियलाइज नहीं किया है, तो वो फिर कहाँ आएगा? अब कल आप लोगों का एक तरह से टेस्ट हो जाए, मुश्तफा सबसे आप ही बता दें वो कहाँ आएगा। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कहाँ शो होगी? एसेट्स के अंदर सर? बिल्कुल, ये कौन, किसने बताया ये मुझे, क्योंकि नाम शो नहीं हो रहा। आतिफ सर मैंने आते बताया। भाई आतिफ, ने बिल्कुल ऐसे, ठीक है मुश्तबा, आप समझ रहे हैं वो आपका एसेट है। ओके, जब अगर मैं उसको बेच के रियलाइज करूंगा देन फिर वो सही है स्पॉटेड, ठीक है। फिर हाँ, लेकिन वो उसी साल आएगा बस, अगले सालों में नहीं आएगा। ओके ओके जिस साल, तो अब आप समझ रहे हैं, किसी कंपनी ने अपना म्यूचुअल फंड बेचा है उस साल, तो इसका मतलब अब आपको अंडरस्टैंडिंग आई है, तो आप कहोगे ना कि यार ये तो इसकी अदर इनकम की वजह से इन्फ्लेट हुआ है प्रॉफिट, वरना ये इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं। गॉट ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या है भाई, क्योंकि ये एक फोन कंपनी है, इंटरकनेक्ट चार्जेस, नेटवर्क मीडिया चार्जेस, शॉर्ट टर्म लीजेस जो नेटवर्क साइट्स का रेंट है, इंश्योरेंस क्योंकि ये एनुअल रेगुलेटरी चार्जेस जो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनकर हो रहे हैं वो आ रहा है, और एडमिन कॉस्ट में सबसे पहले सैलरीज आ रही है जो देनी देनी है, पोस्टेज, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, गाड़ी तो आपको मेंटेन करनी करनी है, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, यूटिलिटीज, ये सब आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम पॉइंट नंबर अदर इनकम ये देखें, अभी ये कहाँ से आया है? देखें मुश्तबा, आपकी बात का जवाब मिल गया, कैसे आए ये 164 और 163 जो इतना अदर इनकम आई है? गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जी सर, ओके देख रहे हैं कितनी मजेदार बात है कि जो आपने पूछा उसी का जवाब यहाँ था, तो इस वजह से इनका प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ हुआ था, और ये लोग भी एक तरह से क्लेवर निकले, इन्होंने देखा क्योंकि पिछले 2-3 साल से इनकी हाइप बनी थी, तो इन्होंने कहा कि चलो जो भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है जल्दी जल्दी बेच दो, ताकि लोग जो हमें कह रहे हैं कि हम इतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं है, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट शो हो जाए। लेकिन अगले साल कोई उनका इस बार बचा ही नहीं दिखाने के लिए, ये देखें निल एंड निल। तो अब आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आया कि गेन और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? गेन और रेवेन्यू में ये डिफरेंस है कि गेन आपको होता है किसी अपनी वही इन्वेस्टमेंट्स पे या कोई कोई सेविंग, ये देखें इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अच्छा इससे भी जब आप लोग इन डिटेल इंशाल्लाह कभी जाएंगे, अभी तो पहला कोर्स है मतलब, और अभी तो ट्रेड शुरू करेंगे इंशाल्लाह, हम जुड़े रहेंगे और आप लोगों को भी टाइम हो जाएगा, तो आप लोगों को इस बात से भी कुछ पता चलेगा कि अगर सेविंग्स अकाउंट पे इनकम कम हो रही है तो इससे हमें क्या समझ आता है। थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें, जिन लोगों ने बल्कि नहीं जवाब दिया वो भी एक बार सोचने की कोशिश करें, अगर करना चाह रहे हैं जैसे मुस्तफा साहब आपने हमें ज्वाइन किया है, अगर किसी को समझ आती है ये बात कि अगर आपकी 1 साल सेविंग्स अकाउंट से इनकम ज्यादा थी, दूसरे साल कम है, तो इससे क्या शो होता है? पर इस साल मेरा खर्चा बढ़ गया। नहीं, कोई और बताना चाहेगा? सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? तो मतलब मैं कम सेविंग्स का, सेव कर रहा हूँ, मैं सेव बिल्कुल कम ये कर रहा आए, हूँ सर। हाँ ये बिल्कुल, ये मुझे रिप्लाई भी आया, बिल्कुल सही जवाब है कि हमने सेविंग्स कम हो गई हैं हमारी, उस अकाउंट में पैसे कम हो गए, तो ये बस एक छोटी छोटी चीजें देख के ना कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ समझने का तरीका है। ठीक है, कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, जितना ज्यादा पैसा पड़ा होगा इंटरेस्ट तो सेम है, मतलब इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है,
तो ये हमें क्या समझ आता है, जो आपने सवाल पूछा था कि भाई हमें क्या पता चलेगा इससे आकर ना, कि आप क्यों हमें इनकम स्टेटमेंट का बता रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक है इनकम स्टेटमेंट से। तो आप लोगों का यही ताल्लुक है, नोट्स तो आपने नहीं देखने होंगे, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। लेकिन अब अगर हम वापस चलें अपनी इनकम स्टेटमेंट पे, ठीक है, अगर हम इनकम स्टेटमेंट में वापस चलें, तो अब हम देख के बता सकते होंगे कि भाई हमें कौन सी चीज एबनॉर्मल लग रही है। इसका मतलब ये जो 0.88 इनका अर्निंग पर शेयर था, या आप लोगों को, और ये तो हमें अगले साल ही समझ आ गया ना, अगर ये इस साल का आया होता तो इसका मतलब ये सस्टेनेबल था या नहीं था। हमें कहाँ से पता चलेगा? अदर इनकम से। अदर इनकम में, अगर अदर इनकम हमेशा इसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी इनकम होती है, आपने डॉलर्स उठाए हुए हैं, आपने कोई म्यूचुअल फंड उठाया हुआ है, आपने कुछ उठाया हुआ है, तो इस साल बेसिकली आपने गेन जो है रियलाइज कर लिया, ठीक है। और अगर कोई लॉस भी हुआ है ना, वो भी इधर ही शो होता है, इधर अदर अदर इनकम है ना, तो अदर एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। तो अब हम फिर से चलते हैं मेपल लीफ वाली उस पे, और अब हमें, अब आप लोग जब देखेंगे ना, मुझे भी सबसे मजे की बात यही लगती है कि अब आप लोग जब देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, तो आपको थोड़ी सी फेमिलियर लगेगी। अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है तो बताएं, और मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, मजा आएगा आप लोगों को। कोई एक एक पॉइंट बता दे बस, कोई गलत सही नहीं है, ये आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट वाला मैंने बता दिया कि वो मुझे लगता है स्लाइटली बेहतर हुआ है, तो मार्जिन स्लाइटली बेहतर हुआ है। तो नीचे देख के किसी को कुछ समझ आता है, फिर हम वो वाला पॉइंट देखते हैं। ए मैं सिर्फ दिमाग थोड़ा सा खोलने के लिए अपना, कि हमें ये समझ आ रहा है ये देख के, क्योंकि आप लोगों को ये स्टेटमेंट तो देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें हरपी सर मैं, वो जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो बेसिकली देखें कि जैसे ही उन्होंने उस जो सेल्स बढ़ी हैं, उन्होंने बोरी की प्राइस बढ़ाई है, तो उसी वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इंक्रीज हुई है, तो उसका वो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि पहले जो है ना वो 1483 था, अब वो 2201 पे चला गया, तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से ये समझ आ रहा है। बिल्कुल इज सही इट है, ओके? ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन मुझे अब एक और चीज समझ आ रही है, मुझे शायद ये भी चीज समझ आ रही है कि अगर हम इनका रेशो निकालें तो हमें, आपने नहीं, बिल्कुल सही बात की है, मैं आपसे डिसअग्री नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को आगे लेके चल रहा हूं कि भाई, कि 48 मिलियन की सेल्स करने के लिए कोई हमें ये 1.48, तो अगर मैं 1.48 डिवाइडेड बाय, अच्छा, और ये आप लोगों ने नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूं कि एनालिसिस का ये भी पार्ट होता है। आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है, जो आपने पकड़ी है ना। अच्छा, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो पिछले साल थी 3.1%, ठीक है, इस साल ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ी सी बढ़ गई है, अब हो गई है 3.22%। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि जब ये सेल्स अपनी बढ़ाते हैं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है? आर यू विद मी इस बात पे? यस सर, आपने ये तो बिल्कुल सही समझा कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा सा रेशियो भी बढ़ गया है। तो हमें ये समझ आती है कि ये जब इनको एडिशनल सेल्स करनी पड़ती हैं, तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा ही पैसा लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये देखें, नेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, यहाँ पे लॉस भी आया हुआ है। अच्छा, अब ये अदर चार्जेस क्या हैं? ये मुझे लगता है कि रेशो के हिसाब से ही बढ़ रहे हैं, तो जब भी सेल्स बढ़ रही हैं तो ये अदर चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो अब हम इनके पॉइंट जाके देख लेते हैं 35 से लेके, लेकिन गुड पॉइंट नवीद साहब, बहुत आपने पकड़ा इसको सही, लेकिन हमें बस ये और समझ आया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्स्ट्रा ही बढ़ रही है। तो अब हम आगे नोट्स में जाके देख लेते हैं कि क्यों एक्स्ट्रा बढ़ रही है।
अभी तो नो नहीं, कंसोलिडेटेड के आ गए नोट्स। पॉइंट नंबर 35। हाँ अच्छा जी, ये देखें, मैंने आपको बताया था ना सेल्स नेट इसलिए लिखी हुई है कि एक्चुअली 82 की सेल्स थी, लेकिन जो उसी वक्त टैक्स दे दिया जाता है बोरी पे, क्योंकि कंपनी, आप लोग देखते हैं ना जीएसटी लगा हुआ होता है जो भी आप चीज खरीदते हैं, तो एक टैक्स होता है प्रॉफिट पे कंपनी के, वो तो बाद में लगता है, लेकिन एक होता है ना कि भाई आपने 30 रुपए की कोई चीज खरीदी मार्केट से, तो उसमें से एक्चुअली 5 रुपए तो शुरू में ही गवर्नमेंट को चले गए, ठीक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हुआ हुआ होता है और नेट सेल्स निकली हुई होती है, ठीक है। अच्छा अब आप मजे की बात देखें कि जो लोकल सेल्स है उन पे टैक्स है, जो एक्सपोर्ट सेल्स है उन पे टैक्स नहीं होता, जो एक्सपोर्ट करते हैं ना हम, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मुल्क में नहीं कर रहे, तो उस पे जीएसटी नहीं लगा हुआ होता, तो इसलिए उसमें से हमें माइनस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रही है कि ये सेल बेसिकली ग्रॉस लोकल सेल्स, तो अगर हमें हम अभी लगा भी सकते हैं, वैसे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इसके लिए हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। किसी को अंदाजा है आजकल सीमेंट की बोरियां कितने की चल रही है? AT2 है, किसी को नहीं अंदाजा? सर 1000 प्लस माइनस में चल रही है, तकरीबन कोई हाँ 2 महीने थाउजेंड तो पहले प्लस भी। ही है, हाँ 1200 तक की है, तो अगर ये जो इनकी सेल्स है इसको मैं 1200 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे सामने एक फिगर आ गया कि इन्होंने 6 करोड़ 83 लाख बोरियां सेल की हैं, ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। अब हम नीचे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, इन्होंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ कस्टमर, अच्छा इन्होंने अपनी मार्केट्स का भी लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा हमने पाकिस्तान में बेचा है, ठीक है, आगे ब्रेकअप दिया हुआ है। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो निकला हुआ था ना, तो अब आप देखें कि जो सारी जो कॉस्ट ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो होंगे जो उनकी डायरेक्ट कॉस्ट होंगी। अगर आप लोगों को लगे नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, तो आप लोग प्लीज बताइएगा। रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल भी तभी लगेगा जब उसको बोरी बनाएंगे। फ्यूल एंड पावर, वो वाली फ्यूल एंड पावर जो सीमेंट बनाने के लिए लग रही है, अगर सीमेंट नहीं बनाएंगे तो वो नहीं लगेगी, ठीक है। फिर ये उनका स्टोर, फिर ये वो वाली सैलरीज हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट लग रही हैं, मतलब जो फिक्स नहीं है, जो अगर सीमेंट की बोरियां बनेंगी तो लगेंगी वरना नहीं लगेंगी। फिर ये वही वाला रेंट है, तभी ये बहुत कम है। इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस है, फिर फ्रेट एंड फॉरवर्ड है। तब आप ये देखें कि वो इनकी ये वाली जो इनकी तरफ से फ्रेट लगा है, वो देखें इनकी सेल्स डबल नहीं हुई, लेकिन इनकी जो ये है ये डबल से ज्यादा हो गई है, अगर आप लोगों को देख रहा है फ्रेट एंड फॉरवर्ड है, ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और उसके बाद ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इनकी सैलरीज हैं, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस है, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस है, तो बेसिकली जो बात मैं गलत कह रहा था, मैं क्लास को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हम समझ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि हर कंपनी अपने हेड के नीचे अलग लिखती है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब वो नहीं था कि जो ये बेसिकली इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब ये था कि जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉस्ट आती है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, उनमें सैलरीज भी है, व्हीकल रनिंग भी है, ठीक है, तो वो इनकी बड़ी है। तो वो इनकी इतनी क्यों बड़ी है वो हम देख लेते हैं, ये देखें, ये आप लोग देखें, जो हमने बात पकड़ी थी वो हमें सामने आ गई है कि बाकी चीजें तो प्रोपोर्शन पे बड़ी हैं, इनको ज्यादा सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन ज्यादा देनी पड़ी है, देख रहे आप लोगों को?
चलो ठीक है, तो अभी आज की क्लास तो ऑलमोस्ट एंड हो रही है, हम मंडे को भी यही लेके चलेंगे, हम अपना नेक्स्ट वीक फंडामेंटल का ही रखेंगे ताकि हम इन स्टेटमेंट्स को समझ सकें। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है तो बिल्कुल बताए। हमें ये अपने जहन में रखना है कि रेवेन्यू इज डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट बेच के हमने कमाया है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज जो उस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली जो कॉस्ट लगी है। जैसे नवीद साहब कह रहे थे कि क्या इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखे ना, कुछ जो हेड्स हैं वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सेम है, सैलरीज वाला। आप लोगों को दिख रहा है? ये देखें, ठीक है जी मस्टर। इसमें सर तो मैं एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो सैलरीज जो उसने डायरेक्ट कॉस्ट में डाली हुई है ना, ये बेसिकली वो जी सैलरीज होती हैं मस्टर, जो, नवीद बात कर रहा हूँ सर, ये नहीं जो दूसरे पे मैं डेली, पूछा। जी 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 डेली जी नवीद बेसिस, मुश्तबा, वो आप नवीद साहब को। जी नवीद साहब, बेसिकली ये जो उन्होंने डायरेक्ट कॉस्ट में डाली हुई है, ये वो सैलरीज हैं जो बेसिकली डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्शन चलेगी तो वो उनको को कॉस्ट जो है वो इनकर होगी, अदरवाइज अगर आपका प्लांट बंद है तो वो जारी बात है कि डेली वेजेस पे आप तो लोगों को वो बेनिफिट्स या वो सैलरीज नहीं होती, तो इसलिए ये जो कॉस्ट बेसिकली सैलरीज की है ये वो कॉस्ट है मेरा, ये बिल्कुल यानी सही कि कह, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बल्कि हमें जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे मजा आता जा रहा है और आप लोगों के साथ चीजें शेयर करने में, क्योंकि ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोग मजा करा देते हैं, मैं सीरियस बताऊं। क्योंकि आप लोग जो जब बताते हैं मुझे, बिल्कुल सर यही फर्क था। तो आज के बाद हम लोग ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं भूलेंगे कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हो रही है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके अलावा जो एडमिन वगैरह की कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसको माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है जी मुश्तबा। सर एक सेकंड आप कॉस्ट ऑफ सेल प्लीज शेयर कीजिएगा सर। मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, उसमें बस आपने एक पॉइंट समझाया था, मैं उसको सही से समझ नहीं पाया। आपने कहा था कि हम लोग जब उसके उसको देख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के फिगर्स को देख रहे हैं, उसमें सेल्स में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डिंग में काफी डिफरेंस आ रहा है। तो उससे पॉइंट क्या, मतलब गेन क्या करना था, मुझे वो चीज समझ नहीं आई। अच्छा उससे ये चीज करनी थी कि मुश्तबा शायद एग्जाम्पल ले लें कि शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ हो कि 500 बोरियां देंगे और एक ट्रक लगेगा। अब ठीक है 500 के अलावा जो एक्स्ट्रा बोरी ये बेचेंगे तो इनका पूरा ट्रक का ही खर्चा आएगा। आपको बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता ये रहा था कि वही आप समझ रहे हैं ना कि 500 बोरी एक ट्रक में आती है, ठीक है, और ट्रक की फिक्स कॉस्ट है। तो समझे, इन्होंने पिछले साल 500 की थी तो इनकी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग एक ट्रक की आई थी, इस साल इन्होंने 700 की है, लेकिन इनको पैसा डबल पड़ गया क्योंकि इनको पूरा एक नया ट्रक करना पड़ गया। ये अगेन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आपको ये बात क्लियर हुई है? जी सर, हो गए समझ गया। ओके तो इसका मतलब कि अगर ये 1000 तक भी सेल्स करेंगे तो इनकी फ्रेट और फॉरवर्डिंग इतनी ही रहेगी, क्योंकि उस ट्रक में अभी भी 300 बोरियों की जगह है, ठीक गॉट इट सर। है। तो ये एक तरह से एक हमने एनालिसिस किया कि इनकी जो है सेल्स डबल नहीं हुई लेकिन फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग डबल हो गई। तो इसका यही मतलब हमने निकाला कि अभी इनके पास कैपेसिटी है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के टर्म्स में, जैसे ट्रक में अभी 300 बोरियों की कैपेसिटी है, ठीक है। क्लियर है आप सबको? यस सर, चलें, तो इंशाल्लाह आप सब अपने अकाउंट का करें, और जो मैंने आपको ऐप बताई थी इन्वेस्टिफाई की, ओवर द वीकेंड न्यूज पढ़ते रहें। जैसे मुश्तबा ने, मुश्तबा आज तो लेट हो गया था, हम अगले वीक से यही रखेंगे कि हम 9 o'clock तक जो है या 8:50 तक अपना लेक्चर खत्म कर देंगे, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया करेंगे,
ठीक है, जैसे आप आज शेल की देखना चाह रहे सर थे, ठीक है, तो मैं भी अभी थोड़ा, क्योंकि हर मेरा जो बैच होता है वो डिफरेंट होता है, तो आप लोगों के साथ चलना चाह रहा था, लेकिन आई एम मतलब अब होपफुल के हम लोगों का एक स्टाइल बन चुका है, तो इनशाला हम अगले वीक में यही करेंगे, फंडामेंटल की तरफ ही जाएंगे, और लेकिन एंड में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आप लोग ये जरूर करिएगा अपने लिए ही कि जो भी थोड़ी बहुत न्यूज पढ़ लीगा ओवर द वीकेंड, और मेरे साथ मंडे को अपनी जो है प्रोग्रेस शेयर कर लिएगा कि हमें ये ओवर द वीकेंड न्यूज मिली है, तो उस हिसाब से हम हर क्लास के एंड में एक उस न्यूज की बेसिस पे देख लिया करेंगे कि क्या वाकई न्यूज का इम्पैक्ट आया है इस स्टॉक पे या नहीं आया। ठीक है, प्योर सर, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह। ठीक है, आप लोग अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करें, इनशाला फिर हम मंडे को मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।